हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुको। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर प्रेगनेंसी के चौथे महीने तक वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकती है कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। दोस्तों, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बहुत सी महिलाओं में देखे गए हैं गर्भ में लड़का या लड़की होने पर, जिससे ये मैच किए हैं। ऐसे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया है जो उनकी प्रेगनेंसी में उनको सिम्टम्स दिखे थे। उन्हीं सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही हमारी जो बुज़ुर्ग औरतें दाइमा वगैरह होती थी वो जो लक्षणों को बताती थी उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद लिंग में भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं और मेरा चैनल इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी खुद की अपनी दो बेटियां हैं तो मैं ना इस चीज़ में बांधती हूँ भेदभाव करने में और ना ही इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनके मन में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि उनका आने वाला बेबी क्या होगा, बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है इस चीज़ को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी गलत धारणा से मत देखिए, क्योंकि दोस्तों बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों भी एक समान है। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि बेटियां तो जो होती है वो तो बेटों से आगे ही है आज के जमाने। और आज लड़कियां वो सब कुछ कर सकती है जो लड़के भी करते हैं। तो इस वीडियो को बस एंटरटेनमेंट के लिए देखें, अपनी जिज्ञासा को कम करने के लिए देखिए और कोई भी गलत कदम ना उठाए इन लक्षणों को देख कर। ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसे एक बार लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहला सिम्टम्स है दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले मंथ से लेकर तीसरे मंथ तक उल्टियाँ हो रही है और ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है तो ये गर्भ में लड़का होने का लक्षण होता है। और वही अगर आपको उल्टियाँ नहीं हो रही हैं या फिर कम हो रही है तो ये गर्भ में लड़की होने का लक्षण होता है। देखिए दोस्तों, ये लक्षण है तो ये किसी के केस में सच भी बढ़ जाता है और किसी के केस में नहीं भी दिखता, क्योंकि हर एक की प्रेगनेंसी और बॉडी अलग होती है। तो ये आप में कभी मैच भी कर जाएगा और कभी भी नहीं भी करेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी पर डिपेंड होता है। बात करेंगे दोस्तों अगले सिम्टम्स की। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब हमारे गर्भ में बेबी बॉय होता है तो हमें उल्टी करने का मन होता है, यानी वोमिटिंग होती है और हमें उल्टी हो भी जाती है। और अगर आपका उल्टी करने का मन कर रहा है लेकिन उल्टी नहीं हो रही है तो ये गर्भ में लड़की होने का लक्षण बताया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया सा लगता है, हेडेक भी होता है लेकिन आपको उल्टी नहीं होती, ऐसा लगता है आपको उल्टी हो जाएगी, इस केस में ये लक्षण बताया जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में बेटा है तो आपके पेट का शेप ओवल शेप में होगा, यानी अंडाकार में, यानी कि ऊपर की तरफ आपका पेट निकला हुआ होता है। और बेबी गर्ल होने के टाइम पर ऐसा बताया जाता है कि आपको आपका पेट का जो आकार है वो गोल दिखाई देगा, चौड़ाई में दिखाई देगा, यानी इस तरह से ओवल शेप में आपको पेट का आकार नहीं दिखाई देगा, तो ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, गर्भ में बेटा होने पर ऐसा कहा जाता है कि आपका जो चेस्ट के नीचे का जो हिस्सा है, यानी नाभि के ऊपर तक, वो आपको बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। और गर्भ में बेटी होने पर ऐसा कहा जाता है कि आपके नाभि के नीचे का जो हिस्सा है लोअर एब्डोमेन का, वो आपको ज्यादा उठा हुआ दिखाई देता है। अगला लक्षण है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ज्यादा नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल आप नॉर्मल रह रहे हैं पहले की तरह, यानी जितनी आपको नींद की ज़रूरत है उतनी आपको नींद आ रही है लेकिन ज़्यादा नींद आपको नहीं आ रही है, तो ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपको थकावट नहीं लगती है, नॉर्मली पहले की तरह हम काम करते रहते हैं, हमें ज़्यादा थकान कमजोरी महसूस नहीं होती है। और वही अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो ऐसा कहा जाता है कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा लगती है, लेजीनेस आपको फील होती है, नींद ज़्यादा आती है, तो ये बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको लोअर एब्डोमेन में पेन, जांघों में पेन, कमर में पेन हो रहा है, ये बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है।
और अगर आपको ये पेन ज़्यादा महसूस नहीं हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये गर्भ में बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों खाने की क्रेविंग्स। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान खट्टा खाने का मन कर रहा है तो ये गर्भ में बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। और अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है तो ये बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स माना जाता है। दोस्तों मैं जल्द ही आपके साथ मेरे ट्वींस बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स भी शेयर करूंगी कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखे थे। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वो वीडियो टाइम पर मिले। तो दोस्तों ये थे वो सभी लक्षण जो अगर आपको फर्स्ट मंथ से लेकर फोर मंथ तक दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे अनुमान लगा सकती है आपके घर में लड़का है या लड़की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन लक्षणों को देखकर बस अनुमान लगाना है, आपको इससे कंफर्म नहीं करना है कि आपको लड़का ही होगा या फिर लड़की होगी, क्योंकि दोस्तों ये बस लक्षण होते हैं जिससे आप अनुमान ही लगा सकती है, कन्फर्म नहीं कर सकती। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों इनमें बहुत से लक्षण ऐसे हैं जो कुछ महिलाओं में सटीक भी बैठते हैं और कुछ महिलाओं में ये लक्षण नहीं दिखते, क्योंकि दोस्तों हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, हॉर्मोन्स अलग होते हैं, बॉडी अलग होती है, इसलिए सिम्टम्स भी अलग दिखाई देते हैं। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।